क्लास फोर्थ। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 7, फ्लावर्स अराउंड अस। ओके, सो फ्लावर्स, जनरली फ्लावर्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब फ्लावर्स तो सबने देखे होंगे अपनी लाइफ में, राइट? कि फ्लावर्स क्या, दे आर न्यूमरस एंड न्यूमरस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन आर कंट्री, इन आर वर्ल्ड, राइट? तो देखते हैं, नाउ वी विल नो अबाउट फ्लावर्स। जनरली फ्लावर्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे खूबसूरत पार्ट जो होता है प्लांट का, वो क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज, फ्रेगनेंसेज। फ्रेगनेंसेज मतलब खुशबू, साइज मतलब उनके अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं एंड अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है? फ्लावर्स में ग्रो सिंगल इन अ बंचेस, या तो वो सिंगल ग्रो करेंगे या वो बंच में ग्रो करते हैं। People are attracted towards plants often because of the beauty of their flowers. अगर हमें, हम उस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, दे ब्रिंग ब्यूटी अराउंड अस एंड जॉय इन आर हार्ट्स। अबव ऑल, विदाउट देम देर वुड नॉट बी फ्रूट, सीड्स, ग्रेन्स और नट्स। वी नीड दीज थिंग्स इन आर सर्वाइवल। हम, अगर फ्लावर ही नहीं होगा, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें पहले फ्लावर आता है उसके बाद फ्रूट आता है, तो फ्लावर्स हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है। ओके, ये हमें फ्रेगनेंस देते हैं, दे गिव कलर्स। ओके, नाउ प्रपोगेशन थ्रू फ्लावर्स। प्रपोगेशन मतलब बढ़ना, प्रपोगेशन थ्रू फ्लावर्स। द बर्ड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फ्लावर। बर्ड मतलब कली। सो द बर्ड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, सबसे पहले फूल से पहले क्या बनता है? बर्ड बनता है, कली बनती है। द फ्लावर्स ब्लूम आउट ऑफ द वर्ड, फिर फ्लावर्स कली से, कली ऐसी होती है, फिर फ्लावर्स कली से ऐसे ब्लूम करते हैं। ब्लूम मतलब खिलना। द पेटल्स आर कवर्ड इन अ बर्ड, और जो पेटल्स होती हैं वो बर्ड को कवर करके रखती हैं। द बर्ड टेक्स टाइम टू ग्रो, जो बर्ड होता है वो टाइम लेता है ग्रो करने के लिए, धीरे धीरे बढ़ता है। एंड ग्रेजुअली इट ब्लूम्स टू अ फ्लावर, और धीरे धीरे वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। इफ यू ऑब्जर्व अ फ्लावर, यू वुड फाइंड पोलन ग्रेन्स इन द मिडल ऑफ इट। अगर आपने फूलों को देखा होगा तो इसके बीच में देखिए ऐसे छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे से, हिबिस्कस फ्लावर है तो ये जो बीच में छोटे छोटे वो दाने जैसे होते हैं ना, दैट आर नोन एज पोलन ग्रेन्स, मिडल ऑफ इट। द पोलन ग्रेन्स आर पाउडरी सब्सटेंस। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पाउडरी सब्सटेंस। अगर आप उनको छुएंगे तो एकदम पाउडर बन जाएंगे। द फ्लावर ऑल्सो कंटेन्स एग्स। अब फ्लावर क्या है? फ्लावर भी एग्स कंटेन करते हैं। दीज पोलन ग्रेन्स मीट विद द एग्स टू प्रोड्यूस फ्रूट। और जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स जब एग से मिलता है, जुड़ता है, तो ये क्या, फ्रूट को, फ्रूट बनाता है। बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज एंड विंड हेल्प द पोलन ग्रेन्स टू रीच द एग्स। और क्या होता है फिर, जो बर्ड्स होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, बीज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हवा से मिलके, एंड विंड और हवा सब क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को एग्स तक पहुंचाती है। द फ्रूट कैरी सीड्स ऑफ द प्लांट। और जो फ्रूट होता है, जैसे मैंगो का, मैंगो के अंदर बीज होता है, तो जो फ्रूट होता है वो प्लांट का सीड को कैरी करता है। हर प्लांट फ्रूट को देखिए आप, हर प्लांट फ्रूट के अंदर कोई ना कोई सीड होता ही है। ओके, क्लास फोर वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। व्हेन डू द फ्लावर्स ग्रो, पुट द डेट टुडे 18/09/2020। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फ्लावर ओनली इन अ पर्टिकुलर सीजन। कुछ प्लांट्स और फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो होते हैं। सम फ्लावर्स लाइक पलाश ब्लूम इन स्प्रिंग, सम लाइक रोज एंड ग्लैडियोली ब्लूम इन विंटर। रोज और ग्लैडियोली कब आते हैं? विंटर्स में आते हैं। सम इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में कौन, सम लाइक गुलमोहर ब्लूम इन समर। गुलमोहर कब आते हैं? समर्स में आते हैं। देयर आर सम प्लांट्स सच एज मैरीगोल्ड दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। और जो मैरीगोल्ड का जो प्लांट होता है वो पूरे साल फ्लावर देता है। सम ट्रीज फ्लावर्स ओनली वंस इन अ ईयर। कुछ
कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स सिर्फ एक साल में एक बार आते हैं. देर आर मैंगो, लीची, ऑरेंज एक्सेट्रा. जैसे मैंगो है, लीची, ऑरेंज, ये सारे फ्रूट्स आपके साल में एक बार ही आते हैं, ठीक है ना. नाउ सम प्लांट्स फ्लावर वंस इन मेनी इयर्स. सम कुछ प्लांट्स के फ्लावर को बहुत सारे सालों में एक बार आते हैं. वंस इन मेनी इयर्स मतलब बहुत सारे सालों में सिर्फ एक बार आते हैं, ठीक है. दे आर कुरिंजी फ्लावर्स. कुरिंजी फ्लावर्स जो बहुत कम से कम 5-6 सालों में एक बार फ्लावर देता है. ये ब्लूम वंस इन 12 इयर्स. देखिए 12 सालों में एक बार फ्लावर आता है. दे आर ब्राइट पर्पल ब्लू इन कलर. द कुरिंजी फ्लावर इज बेल शेप्ड. ये देखिए कुरिंजी फ्लावर बेल शेप्ड होते हैं. दे आर मोस्टली सीन इन नीलगिरीज एंड कोडाई कनाल हिल्स. ये कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? नीलगिरी में एंड कोडाई कनाल हिल्स में अवेलेबल होंगे. पर ये 12 इयर्स में वंस आते हैं, ब्लूम होते हैं. देयर आर सम प्लांट्स लाइक बनाना दैट फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. देयर आर सम प्लांट्स लाइक बनाना. बनाना का जो फ्लावर है वो बस साल मतलब पूरी लाइफ टाइम में एक बार ही आता है. दे डाई वंस द फ्रूट आर हार्वेस्टेड. वो जैसे ही फ्रूट आने लगते हैं उसमें वैसे ही वो जो प्लांट बनाना का फ्लावर होता है वो मर जाता है. द फ्लावरिंग सीजन वेरीज अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. जो प्लांट्स फ्लावर देते हैं वो काफी कुछ आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन और आप वो प्लांट कहाँ सिचुएटेड है. जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब वो प्लांट कहाँ ग्रो कर रहा है, किस जगह, ठंडी जगह, गर्म जगह, डेजर्ट वाली जगह, उस पे भी डिपेंड करता है. मार्क द फ्लावर बर्ड एंड पोलन ग्रेन इन द पिक्चर गिवन अलोंग साइड. अब बर्ड इसमें दिस इज कॉल्ड बर्ड, दिस इज कॉल्ड फ्लावर एंड दिस इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. इसको आप नोटबुक में बना लीजिएगा, ड्रॉइंग नोटबुक. कलेक्शन हनी फ्रॉम बी हीव्स. बी कीपिंग इन अ हॉबी एंड नाउ अडेज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ मैनी पीपल. बी कीपिंग इज अ हॉबी. अब क्या करते हैं लोग, जो मधुमक्खियां होती हैं उनका छत्ता अपने घर रखते हैं और ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है क्योंकि दे गिव हनी. बीज क्या होती है, जो वो ह्यूमन बीज को क्या कर देती है, हनी देती है. तो बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए बी का छत्ता अपने घर पे उगाते हैं. पीपल मेक बॉक्सेस टू कीप देम. पीपल क्या करते हैं, बॉक्सेस रखते हैं उनको रखने के लिए. दे हैंडल द बीज जेंटली विदाउट हर्टिंग देम. वो बीज को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं कि उन्हें कोई भी चोट ना लगे. ओकेजनली ग्लव्स एंड मास्क आर यूज फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. और वो ग्लव्स और मास्क का भी यूज करते हैं जिससे कि उन्हें कोई हार्म ना हो और बीज को भी कोई हार्म ना हो. नेक्स्ट इज टू कलेक्ट हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट. पीपल स्मोक द एरिया एंड चेस अवे बीज फ्रॉम देयर हाइव्स. वो क्या करती है, देखिए इस पिक्चर में उन्होंने मास्क पहना हुआ है, ठीक है. ग्लव्स नहीं पहने बट दे आर वियरिंग मास्क हियर. सो टू कलेक्ट हनी व्हाट दे विल डू, पीपल स्मोक द एरिया. पहले वो वहां पे क्या कहते हैं जो फॉरेस्ट है उसको वो धुआंधार कर देते हैं और चेज अवे बीज फ्रॉम देयर हाइव, जिससे कि वो जो बीज हैं वो अपने छत्ते से बाहर निकल आए. दस हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम द हनी कॉम्ब्स. और हनी जो होता है वो उनकी छत्ते से निकाल लिया जाता है. द प्लेस वेयर बीज आर रियर्ड इज कॉल्ड एपियरे एंड द पीपल हु लिव्स आफ्टर देम आर कॉल्ड एपियरिस्ट. ये जो जगह होती है जहां पे हनी कलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अपियरे, है ना. एंड जो लोग कलेक्ट करते हैं, ये जो प्रोसेस करते हैं हनी कलेक्शन का, उसको क्या बोलते हैं, अपियरिस्ट. ओके, अंडरलाइन कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजेस ऑफ फ्लावर्स. व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्लावर्स. ओके, वी यूज फ्लावर्स इन डे टू डे लाइफ. हम फ्लावर्स अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं. वी ग्रीट पीपल ऑन स्पेशल ओकेजंस लाइक बर्थडेज विद फ्लावर बुकेस. हम लोगों को फ्लावर्स उनके बर्थडे गिफ्ट्स में देते हैं, बुकेस में देते हैं. वी यूज देम इन टेंपल्स फॉर वर्शिप. हम फ्लावर्स को मंदिर में पूजा करने के लिए यूज करते हैं. ऑन फेस्टिवल्स दे आर यूज फॉर डेकोरेशन. और फेस्टिवल्स में वो डेकोरेशन के लिए काम में आते हैं. We use them during marriages. हम मैरिजेस के टाइम पे भी फ्लावर्स को यूज करते हैं.
women wear them on their hair. Flowers को women अपने hair में hairs में भी carry करती है to make their hairs beautiful. Rose water is prepared from the rose flower. जो rose water है वो किससे prepare होता है? Rose water flower से prepare होता है. Many aromas are extracted from different flowers. अलग अलग खुशबू, aroma मतलब खुशबू, अलग अलग खुशबू fragrances अलग अलग type के flowers से extract मतलब निकाली जाती है to make perfumes, perfume बनाने के लिए, lotion बनाने के लिए and incense sticks बनाने के लिए. Some flowers are edible. कुछ flowers खाने के लिए भी होते हैं. We eat a variety of flowers like banana flower as vegetable. जो banana का flower होता है वो भी as a vegetable खाया जाता है. The flower of pumpkin is also vegetable along with this stem. जो pumpkin जो उसका क्या कहते हैं खरबूजा नहीं pumpkin pumpkin कद्दू पंकिन मीन्स कद्दू. कद्दू का जो भी फ्लावर होता है उसको भी खाया जाता है. बिसाइड दीज वी ईट कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. उसके अलावा हम ब्रोकली भी खाते हैं और कॉलीफ्लावर भी खाते हैं, दैट इज पत्ता गोभी एंड दैट इज ब्रोकली ग्रीन गोभी. ठीक है. नाउ फ्लावर्स आर सो ब्यूटीफुल दैट मेनी ऑफ क्लोज वी वियर हैव फ्लोरल प्रिंट. फ्लावर्स इतने सुंदर है कि उनको उनके डिजाइन हम अपने ड्रेसेस में भी प्रिंट करवाते हैं. We also draw flowers for decoration. हम decoration के लिए भी flowers को use करते हैं. Some pots used for marriages and cultural activities are also decorated with the flower motifs. कुछ pots होते हैं, कुछ marriages में cultural activities होती है, सारी चीजें flower की design और flowers के through decorate की जाती हैं. People also extensively cultivate flowers like marigold and sunflower as cash crop. जैसे कुछ लोग पसंद फ्लावर्स की भी खेती करते हैं जिससे कि वो उसको बेचकर पैसा कमा सके. नाउ देयर आर पीपल हु आर प्रोफेशनल इन ड्राइंग फ्लावर मोटिव्स. कुछ लोग प्रोफेशनली फ्लावर्स को अपने बिजनेस की तरह यूज करते हैं. मैनी पीपल अर्न देयर लिविंग्स बाय सेलिंग फ्लावर्स. बहुत से लोग फूल बेचकर ही अपना घर चलाते हैं. You would have noticed flower seller in market and near temples. आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिरों के बाहर और बुके शॉप देखी होंगी. मैरिजेस के आसपास बुके शॉप्स होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर, और फ्लावर डेकोरेशन की शॉप्स अलग होती हैं. मंदिरों के बाहर फ्लावर बेचने वाले अलग होते हैं. तो एज पर द ओकेजन फ्लावर का यूज होता है. दोज हु सेल फ्लावर्स और कमर्शियल बेसिस आर कॉल्ड फ्लोरिस्ट. जो फूलों का धंधा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट. आई गेस आपको ये क्वेश्चन चैप्टर समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन पिंग मी ऑन अ कमेंट बॉक्स. व्हेन फ्लावर्स आर ग्रोन टू सेल इन द मार्केट इट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर. जब फ्लावर्स को हम मार्केट में बेचने जाते हैं तो दैट प्रोसेस ऑफ सेलिंग फ्लावर्स इन द मार्केट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर. ओके.